एक नया दिन और नई रेसिपी के साथ मैं फिर आया हूँ। मैं अजीत भोबे, बेळगाव की स्पेशल रेसिपी झणझणीत मटन नली रस्सा, आप इसे हॉट एंड स्पाइसी मटन नली भी कह सकते हैं। मेरी माँ बेळगाव की थी और वो भी बहुत अच्छा खाना बना लेती थी। वैसे ही मेरी बहन बहुत अच्छी कुक है और उसकी रेसिपी ट्राई करने के लिए मैं उसके घर गया हूँ और मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था कि ये बेळगाव की स्पेशल झणझणीत मटन नली रस्सा का मुझे करके दिखाइए और उन्होंने एग्री किया है। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन डिश, एक बार इसे टेस्ट अगर आप करोगे तो आप बाहर होटल में कभी नहीं जाओगे। तो चलिए, झणझणीत मटन नली रस्सा। ये है बेळगाव की स्पेशल रेसिपी झणझणीत मटन नली रस्सा, एकदम सॉफ्ट नरम, मुंह में एकदम खुल जाने वाला एकदम टेंडर मटन नली रस्सा। आप इसका कलर देख सकते हैं, आप इसे हॉट एंड स्पाइसी मटन नली करी भी कह सकते हैं। मुंह में पानी आ रहा है ना दोस्तों, तो चलो दोस्तों रेसिपी देखते हैं। मटन नली रस्सा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो मटन नली ली है। आप देख सकते हैं इसका गुलाबी रंग एकदम फ्रेश है। इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और इसे मैं अच्छी तरह पानी में 5-6 बार धोकर इसे मैं अलग से रख दूंगा। मटन नली का रस्सा जो होता है, जो करी होती है, ये हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम है, उनको ये मटन नली की जो करी होती है, रस होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद करता है। मटन नली में जो नरम मुलायम मांस होता है, द्रव्य होता है, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये बहुत ही लोगों की पसंदीदा फेवरेट डिश है। सबसे पहले हम इसका गीला मसाला बनाते हैं। मैंने 2 कांदे लिए हैं मीडियम साइज़ के, 2 अक्के लहसुन लिया है, 1 इंच अदरक लिया है और 6-7 मैंने हरी मिर्च ली है। आप अपने हिसाब से स्पाइसी के हिसाब से ले सकते हैं। और 1 बड़ा बाउल मैंने हरा धनिया लिया है। तब तक मैंने मटन नली अच्छी तरह धो ली है, आप देख सकते हैं। और जो इसका जो गीला मसाला करूँगा मैं, ये मटन नली मैं लगाऊँगा। कांदा मैंने छोटा काट के लिया है, मैंने लहसुन की कलियाँ भी साफ करके लिए है और अदरक भी छोटे काट के रखे हैं। और ये जो गीला मसाला है, अदरक लहसुन धनिया और हरी मिर्च, ये मैं मटन को लगाऊंगा। कांदे को छोड़ के मैंने सारा मसाला, हरा धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैंने मिक्सर के बर्तन में डालकर इसे एकदम बारीक पीसना है। और ये पीसने के बाद हम लोग ये सारा मसाला मटन को लगाएंगे। आप देख सकते हैं गीला मसाला तैयार है, एकदम मैंने बारीक पीसा है। और ये सारा मसाला मटन नली को अच्छी तरह हम लगाएंगे, इसे मैरिनेट करके रखेंगे। कम से कम 1/2 घंटा इसे अलग सा रखेंगे। एक छोटा 200-250 ग्राम दही हम मटन नली को लगाएंगे। दही लगाने से बहुत ही सॉफ्ट होता है। वैसे भी मटन नली का जो मांस होता है वो बहुत ही नरम मुलायम और सॉफ्ट होता है, और दही लगाने से और नरम होता है, मुंह में एकदम घुल जाता है। तो इस दही को हम अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। दही और हरा मसाला मैरिनेट करके मैंने 1/2 घंटा रखा है। मैरिनेशन का 1/2 घंटा हो गया है और अभी मटन नली को हम कुकर में डाल के इसे पकाएंगे। कुकर के बर्तन में मैंने 3 टेबलस्पून मैंने तेल लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और मैंने जो कांदा बारीक काट के रखा था, इस तेल में हम इस डालेंगे और इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। कांदा को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कच्चापन चला ना जाए और गोल्डन ब्राउन रंग कांदे का आ जाए।
गैस को धीमी आंच पर रखना है, ध्यान रहे कांदा जल न जाए और इसे बीच बीच में हिलाना है। जैसे ही कांदा अच्छा फ्राई होता है तो हमने जो आधा घंटा मटर नली मैरिनेशन करने के लिए रखा है वो हम इस बर्तन में डालेंगे और इसे अच्छी तरह घुमा लेंगे। कांदा जैसे ही अच्छी तरह फ्राई होता है मटर नली को डालकर इसे कांदे के साथ अच्छी तरह घुमा लेना है और मटर नली के बराबर इस कुकर में पानी डालना है। कुकर का ढक्कन लगाकर कम से कम 8 से 10 सीटी निकालनी है। आप अपने कुकर के हिसाब से कम ज़्यादा सीटी निकाल सकते हो। मटन नली नरम होनी चाहिए। तो आप अंदाज से सीटी लगाइए। अभी हम लोग सूखा मसाला बनाएंगे। ये जो चम्मच देख रहे हैं ये चम्मच से मैंने 3 चम्मच मैंने धनिया लिया है, 1.5 चम्मच मैंने खसखस ली है, 6-7 मैंने बेड़गी मिर्ची ली है, 3 कांडी दालचीनी ली है, 5 लवंग लिया है, 1 चक्रीफूल लिया है और 2 चम्मच शाहजीरा लिया है मैंने। ये चम्मच देख सकते हैं ये साइज़ से मैंने लिया है और 20 से 22 मैंने काली मिरी ली है। अपने स्पाइस के हिसाब से आपको मिर्ची लेनी है, आप चाहें तो कश्मीरी मिर्ची भी ले सकते हैं बेड़गी के बदले। ये जो सारा सूखा मसाला निकाला है ये अभी हम 2 चम्मच तेल में इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में मसाले को पलटना है, धीमी आंच पर इसे फ्राई करना है। ध्यान रहे मसाला जल न जाए। जैसे ये मसाला अच्छी तरह फ्राई होता है तो इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। मैंने 3 टेबलस्पून नारियल लिया है, नारियल मैंने ज़्यादा नहीं लिया इसमें। ये मसाला मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अभी हम नारियल के साथ मिक्सर में इसे पीसेंगे। नारियल को उसी तवे पर थोड़ा फ्राई करना है। जैसे ये नारियल फ्राई होता है हम इसे सूखे मसाले के साथ बारीक पीस लेंगे। मिक्सर में मैंने सारा सूखा मसाला पहले डाल दिया। मसाले में नारियल और थोड़ा पानी डालकर इसे बारीक पीसेंगे। आप देख सकते हैं मसाले को बारीक पीसा हुआ है। बेड़गी मिर्ची का रंग भी अच्छा आया है। आप चाहे तो कश्मीरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी रंग बहुत अच्छा आता है। अब ये जो सारा मसाला है इसे हम एक बर्तन में उतारेंगे जहाँ हमको मटन नली को पकाना है, और इस बर्तन में हम पानी डालेंगे और इसे उबालेंगे। पानी उतना डालना है जितनी आपको गाढ़ी करी चाहिए। पिसे हुए मसाले को पानी में मिलाकर हम एक बर्तन में इसे उबालने को रख दिया है। ध्यान रहे कुकर में जो मटन नली पक रही है उसमें भी पानी है, तो वो भी पानी इस मसाले में आने वाला है। तो पानी उतना ही डालिए जितनी गाढ़ी करी आपको चाहिए और इसे अच्छा उबाल आने देना है। मसाले को अच्छा उबाल आ गया है। अभी हम लोग जो कुकर में मटन नली पक रही थी वो कुकर भी ठंडा हो गया है, तो इसे खोलकर हम चेक करेंगे और उस मटन नली को इस मसाले में हम लोग मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। तो हमारी मटन नली एकदम अच्छी तरह पक गई है। कुकर में मटन नली एकदम नरम और टेंडर हो गई है। इसे थोड़ा थोड़ा करके हम इस मसाले में मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कुकर में पानी भी है, मटन स्टॉक है, तो ये मटन स्टॉक भी हमको इस मसाले में मिलाना है। मैंने पहले ही कहा था
कि पानी उतना ही डालिए जितनी गाढ़ी करी आपको चाहिए। इस सारी मटर नली को इसके अंदर मिला के इसे अच्छी तरह पकाना है, इसको उबाल आने देना है, सारा मसाला इसके अंदर घुल मिल जाना चाहिए। आहा, क्या महक आ रही है, घर में पूरी तरह मटन नली का झनझनी रस्सा का महक पूरी तरह फैला हुआ है। मटन नली पक रही है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें अभी हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। झनझनी मटन नली का रस्सा एकदम लगभग तैयार हो गया है, महक बहुत ही खूबसूरत आ रही है और मुझे रहा नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं इसका रंग, जैसे ही हमारा झनझनी मटन नली रस्सा तैयार हो रहा है तो इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और आधा नींबू इसके अंदर निचोड़ देंगे, इससे स्वाद और बढ़ेगा। क्या रंग है, आहा, क्या बात है। जितनी गाढ़ी आपको करी चाहिए, थिक चाहिए, उतनी देर तक पकाना है और इसका बीच बीच में करी का कंसिस्टेंसी भी चेक करना है। तो बेलगांव की स्पेशल रेसिपी झनझनी मटन नली रस्सा हमारा तैयार है, हॉट एंड स्पाइसी मटन नली करी। ये देख सकती है हमारा मटन नली भी पक गया है और ये करी भी गाढ़ी हो गई है, थिक हो गई है, इसकी कंसिस्टेंसी बराबर हो गया है और ये हमारा मटन नली का रस्सा तैयार हो गया है। इसे हम नीर डोसा के साथ खा सकते हैं, भाकरी के साथ खा सकते हैं, आप चाहे तो पाव के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत ही प्रोटीन युक्त, बहुत ही सुंदर मटन नली रस्सा, इसे मैंने एक सर्विंग बॉल में उतार दिया है। देखिए इसका रंग, मैं तो अभी सीधा खाने को बैठूंगा भाई। आहा, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, झनझनी मटन नली रस्सा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ये मेरी रेसिपी सारे दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मेरा चैनल का नाम है अजीत भोबे, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।